बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। 90 के दशक में अपनी कॉमेडी से सभी के चहेते बन चुके एक्टर गोविंदा अपने जमाने में न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि कॉमेडी और डांस के लिए भी खास कर जाने जाते थे। एक जमाना था जब उनके साथ काम करने के लिए बहुत सी एक्ट्रेसेस चाहत रखती थी। गोविंदा के साथ यूं तो फिल्मों में बहुत सी एक्ट्रेसेस दिखी, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस भी थी जिसके साथ गोविंदा को अपनी जोड़ी सबसे बेस्ट लगती थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा को अपनी जोड़ी नीलम कोठारी के साथ ही सबसे अच्छी लगती थी। इतना ही नहीं, न सिर्फ फिल्मों में बल्कि गोविंदा उन्हें रियल लाइफ में भी अपना हमसफर बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा हो न सका। आइए हम आपको बताते हैं गोविंदा और नीलम की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। नीलम पहली बार गोविंदा के ऑपोजिट फिल्म इल्ज़ाम में नजर आई थी। उस समय उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री ऑडियंस के दिलों को छू गई। उसके बाद फैंस इस जोड़ी को साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहने लगे। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन ये कपल सुपरहिट हो गया। इस हिट जोड़ी का ही कमाल था कि गोविंदा और नीलम ने एक साथ करीब 14 फिल्में की। काम करते करते गोविंदा नीलम के प्यार में भी पड़ गए। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने नीलम के साथ अपने प्यार के बारे में बताया था और कहा था, वो एक शुद्ध प्यार था, उसमें वासना जैसा कुछ नहीं था। 90s के दशक की शुरुआत में गोविंदा और नीलम की जोड़ी एक सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बन चुकी थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन गोविंदा पहले ही अपनी पत्नी सुनीता के साथ बंधन में थे। शायद यही वजह है कि गोविंदा और नीलम की जोड़ी सिर्फ इतिहास ही बनकर रह गई। बता दें, गोविंदा ने एक मंदिर में गुपचुप तरीके से सुनीता से शादी कर ली थी, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय तक उन्होंने इस खबर को मीडिया से छिपा कर रखा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर उनकी शादी की बात बाहर आ गई तो उनके करियर पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड नीलम कोठारी को अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया था। उन्होंने कहा था, नीलम को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे एक साल बाद शादी का पता चल ही गया। मैंने शायद उन्हें नहीं बताया क्योंकि मैं इस सफल स्क्रीन जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता था, और अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैंने अपने प्रोफेशनल एंड्स के लिए नीलम के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप का काफी शोषण भी किया। मैंने उनके साथ गंदा खेल खेला, मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि मैं शादीशुदा था। वेल, गोविंदा का ये खुलासा बेहद ही शॉकिंग है। आज दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। वेल, गोविंदा और नीलम की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।